एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये ब्लॉग वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। आज हम वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं, मैं, मेरी वाइफ और अजान की आज वैक्सीनेशन नहीं होनी। तो वैक्सीनेशन आज हमें जो हो रही है वो है फाइजर की। अब इसमें मैंने लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑलरेडी सुने हैं यूट्यूब के जरिए और कुछ से पर्सनली। किसी को टेम्परेचर हुआ है बाद में, किसी के बाजू में 2-3 दिन तक पेन रही है और कुछ को कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हमारा जो एक्सपीरियंस जो भी होगा वो इसी वीडियो में मैं आपके साथ लेटर ऑन शेयर करूंगा। सो स्टे विद अस, लेट्स स्टार्ट नाउ। ये है पैरामाउंट सेंटर। नॉर्मली मिसिसागा में मोस्टली लोगों को इसी लोकेशन पे जो है ना अपॉइंटमेंट दी जाती है। अजान आप तो थोड़ा सा मुझे इधर आके करने दें। Thank you so much.
हे यू गो गाइस, वैक्सीनेशन हो गई डन। वो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर जो आपको वैक्सीनेशन का होता है वो सेम वैसे ही था। तो वैक्सीनेशन के बाद वहाँ पे आपको तकरीबन 15 मिनट के लिए वो होल्ड करते हैं, ताकि अगर उसका कोई रिएक्शन होता है तो वो स्ट्रेट वे आपको लुक आफ्टर कर सकें। हमने 15 मिनट वहाँ पे स्पेंड किए। एज सच कोई हमें तो कोई रिएक्शन नहीं फील हुआ अभी तक। थोड़ी थोड़ी सी पेन फील हो रही है मुझे अभी, लेकिन माई वाइफ फीलिंग गुड, सो फार सो गुड। और अब हम आ गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। अजान, छोटू अजान की आइसक्रीम देखना, जरा वो गिरना शुरू होगी, उसकी जरा हेल्प कर दो। तो अजान साहब कह रहे थे जी आइसक्रीम खानी है, तो सो नाउ वी आर हियर जस्ट हैविंग आइसक्रीम। आई लव मैंगो वन। एंड अजान, व्हाट यू लाइक? चॉकलेट। चॉकलेट, वाओ। सो अजान इज जस्ट हैविंग चॉकलेट वन। ओह माय गुडनेस, प्लीज बुक योर वैक्सीनेशन एज सून एज पॉसिबल, डोंट वेस्ट योर टाइम। Okay, so guys, see you soon in next one. Take care, bye bye. अभी तकरीबन इस वक्त ऑलमोस्ट 24 आवर जो है ना वैक्सीनेशन को लिए हो चुके हैं, उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर टाइम हो चुका है। तो जो सेकंड डे का इसका वैक्सीनेशन के बाद की जो फीलिंग्स हैं वो उसमें वो जैसे नॉर्मली हम वैक्सीनेशन लेते हैं उसी तरह है। समटाइम आपके बाजू के ऊपर लाइक यू नो यू कैन फील लिटिल बिट पेन, तो वो मुझे भी पेन फील हुई। टेम्परेचर मैंने अपना दो बार दिन में जो है चेक किया है, तो टेम्परेचर भी एज सच मुझे जो है ना नॉर्मल ही रहा। टेम्परेचर में भी कोई कमी बेशी नहीं हुई। तो अब गुड लक फॉर एवरीवन, आप जो भी अपनी टाइमली आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। वैक्सीनेशन से रिलेटेड ही थोड़ी सी आपके साथ फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वैक्सीनेशन को अभी लगवाए इस वक्त 48 आवर्स हो चुके हैं। यस्टरडे हमें, मुझे और मेरी वाइफ को थोड़ी सी आर्म में पेन थी, लेकिन वो भी लेट इवनिंग तक रिलीज हो चुकी थी। ना कोई ब्रूजेस, ना कोई इन्फेक्शन, कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीथिंग जो है ना वो सब ठीक रही। तो आपको सजेस्ट करूंगा जो भी वीडियो लिसन कर रहे हैं कि अपनी जो भी आपकी फर्स्ट जो डोज है वो टाइमली जाके अपॉइंटमेंट बुक करके लें, और जैसे ही आपकी सेकंड आए ताकि आप सेफ रह सकें, ठीक है, और नेचर को भी इंजॉय कर सकें। कनाडा में समर जो है ना वो ब्लेसिंग की तरह होता है, लॉन्ग जो है विंटर के बाद आता है, तो इसलिए अपनी वैक्सीनेशन लें और आराम से अपना जो है समर इंजॉय करें। अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, bye and Allah Hafiz.